कांग्रेस का जो इन्होंने आंकड़ा गिनाया, कांग्रेस लगातार जो है 52, 57, 62, 67, 77, 80 घटती हुई पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी 1984 पहला चुनाव लड़ती है दो सीटें, दूसरा चुनाव 1989 में लड़ती है 87 सीटें, तीसरा चुनाव जो है 1991 में लड़ती है 112 सीटें, चौथा चुनाव 1996 में लड़ती है 164 सीटें, पांचवा चुनाव 1998 में लड़ती 182 सीटें, उसके बाद फिर 182 सीटें। सिर्फ 2004 का चुनाव है जब भारतीय जनता पार्टी नीचे जा रही है, बाकी सारे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़ती है। तो आशुतोष जी, हम रुक नहीं गए हैं, हम लगातार बढ़ रहे हैं और हम बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि हम अपना वैचारिक विस्तार कर रहे हैं, सांगठनिक विस्तार कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और कांग्रेस लगातार संकुचित होती हुई पार्टी है, उसका हर और उसका हाईएस्ट परसेंटेज 84 में 42.7% था, हम 38% तक आए हैं, हम 45% से ऊपर जाएंगे। 10 सेकंड जल्दी से आशुतोष जी। हाँ देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आकलन करते समय यह भी देखना चाहिए कि 1952 से चुनाव लड़ना शुरू किया और 1984 में भी 7% की पार्टी थी। तो पार्टियों का डाउनफॉल होता रहता है, ऐसा नहीं कि एक पार्टी लगातार एक तरीके से चलती, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने 1971 में 352 सीटें मिली थी, 1980 में उसको 353 सीटें मिली थी, 1984 में 414 सीटें मिली। जब कांग्रेस के अंदर यह अहंकार आ गया कि अब मैं हार ही नहीं सकता, मुझे कोई हरा नहीं सकता, तब उसका डाउनफॉल शुरू हुआ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि बीजेपी के अंदर यह अहंकार ना आए। संगीत रागी उस पर जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है, सीधे उसका रुख करेंगे। पंजाब कांग्रेस में आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर कांग्रेस एकमत नहीं है। पंजाब कांग्रेस जो नेता हैं वो सहमत नजर नहीं आते हैं। प्रदेश में नेताओं की अलग अलग राय थी। देवेंद्र यादव, जिनको दिल्ली से स्पेशली पंजाब कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करने के लिए भेजा गया था, उनकी ओर से बोला गया है, प्रदेश कांग्रेस संघ बैठक के बाद देवेंद्र यादव का ये बयान सामने आया है, नेताओं की राय केंद्रीय नेतृत्व को बताऊंगा, देवेंद्र यादव ने ये कहा है। और कुल मिलाकर पंजाब में कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ चुनावी बिसात नहीं बिछाना चाहती है एक साथ, ये बड़ी खबर है। और एक और दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें, एक तरफ पंजाब को लेकर रस्साकशी जारी है, कल आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बैठक होने वाली है, वहीं असम की 14 में से 4 सीटों पर टीएमसी ने अब अपना दावा कर दिया है। 14 में से 4 सीटों पर टीएमसी की ओर से अपना दावा कर दिया गया है कि वो 4 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, यानी कि कांग्रेस पार्टी को असम में कॉम्प्रोमाइज पोजीशन अपनानी पड़ सकती है, जबकि बंगाल के मामले में दीदी 2 से ज्यादा देने को तैयार नहीं नजर आती हैं। वो 2 सीटें कोकराझार और मालदा दक्षिण, सिर्फ यही सीटें देना चाहती हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को, इससे ज्यादा देना नहीं चाहती, असम में 4 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। बात कैसे बनेगी, यह बड़ा सवाल है, लेकिन जिस बात पर चर्चा चल रही थी उस पर आपका जवाब। देखिए, मैं बहुत तुरंत जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, ऐसे 5 प्रदेश हैं जहां भारतीय जनता पार्टी, 10 ऐसे नहीं, 5 बड़े राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी अभी तक बहुत ज्यादा ताकतवर रूप में राजनीतिक तौर पर नहीं उभरी है। जो आशुतोष 10 राज्य गिना रहे थे वो अपने आप में गलत हैं। आप साउथ में चले जाएं तो केरला है, तमिलनाडु है, इधर आंध्रा है, तेलंगाना है, तेलंगाना में पिछली बार भी बहुत अच्छा किया था, इस बार बेहतर उससे करना चाहिए, इसलिए ये जो आंकड़ा दिया गया था। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा आशुतोष, 1952 के चुनाव और 71 तक के चुनाव के कांग्रेस पार्टी के, आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, जहां भी पोस्ट जहां भी कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ स्ट्रगल होता है वहां वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम इमर्ज करता है, ये पूरी दुनिया में उभरा है, धीरे धीरे ही उसका ह्रास होता है, वही कांग्रेस के साथ हुआ, ये अहंकार के कारण नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक प्रक्रिया को डिलेजिटिमाइट किया, जितने भी ग्रास रूट लीडर थे उनको सबको लाकर के ऊपर लेकर के आया और हाईकमांड कल्चर पैदा किया, और नीचे से ग्रास रूट में है वो रीजनल पार्टियां खड़ी होंगी, इस पर हम डिबेट में नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए वो तर्क आपका ठीक नहीं बनता है, आज की तुलना में आप मत कीजिए। और फिर एक बात और मैं जोड़ देना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी की तुलना करने की गलती आप वाजपेयी के भारतीय जनता पार्टी से मत कीजिए, ये एक दूसरा ही ये है, वो दूसरे ही पेडेस्टल पर काम करता है। क्या बताना चाह रहे हैं, साम दाम दंड भेद सब? नहीं, मैं साम दाम दंड में नहीं हूं, मैं ऑर्गेनाइजेशन की डायनेमिक्स, जो जिस 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 तीव्रता से, जिस सोच से जो निर्णय होते हैं, अब मोदी की गारंटी, ये चल गया है, ये नारा आपको करने की जरूरत नहीं है, अभी इंडिया गठबंधन को नारों की खोज करनी पड़ेगी, और आप गांव से लेकर के आप भीतर गांव में आप चले जाइए, मोदी की गारंटी, एक ड्राइवर से लेकर के, एक पान वाला से लेकर के, एक गुमटी वाला से, आप ट्रेन में बैठ जाइए, आपको ये नारे आपको गूंजते हुए लोगों के मुंह से कहते हुए, ये एक्सेप्टेबिलिटी है। एक और बात आशुतोष,
भारतीय जनता पार्टी 2014 में भी जब लड़ी थी ना तो आपको मैं बता दूं 31 सीटों के करीब थी, और 2019 में भी जो सीटें लड़ी थी बिहार के, मैं खास करके जिक्र करना चाहता हूं, यहां तक कि जेडीयू के सांसदों का कहना था कि हम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े हैं, नीतीश के चुनाव चेहरे पर चुनाव नहीं लड़े हैं। इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो जो लोग जेडीयू को विधानसभा में वोट करते हैं, जो अखिलेश यादव को विधानसभा में वोट करते हैं, वो भी नरेंद्र मोदी के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ये मत भूलें, तो बीजेपी ही ज्यादा 76 सीटें जीती थी, 73 जीती थी, मैं करेक्ट कर दूं आपको, मैंने 43 जीती, मैंने फिर कहा ठीक है, मैं अब बाकी लोगों पर, दो लोग बाकी रह जाएंगे, शौकत मलुक नागर साहब, अब आपको तो मोदी की गारंटी से भी लड़ना है ना, उससे पार कैसे पाएंगे, उसका तो कोई काट है नहीं आप लोगों के पास। देखिए ये बिल्कुल एकदम सही बात है आपकी कि कैसे पार पाएंगे, पर पार ऐसे पाएंगे हम कि जब लोगों को लगेगा कि ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में आपस में तालमेल नहीं है, और हमारा जो बिल्कुल 13.5% वोट अभी विधानसभा में और 20% वोट जो लोकसभा में इंटैक्ट था, वो चारों तरफ से जिस तरह तैयारी चल रही है पिछले 1.5 साल से आपस में लड़ रहे हैं, उसका फायदा सीधा सीधा हमें मिलेगा, और जब लड़ाई में हम आते हुए दिखाई देंगे तो जो बीजेपी को हराने वाले लोग हैं वो हमारे साथ आएंगे, तो लड़ाई उत्तर प्रदेश में खासकर सीधी हमसे हो जाएगी, इसलिए उत्तर प्रदेश में काफी सीटें जीत करके हम आएंगे। अरे उत्तर प्रदेश में 40 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने 50% से ज्यादा वोट शेयर शौकत अली जी हासिल किए हैं, तो अब आप और बीएसपी मिलकर भी बीजेपी को हरा नहीं पाए 19 में, कांग्रेस अगर मैं मान लू थोड़ी देर के लिए कि कांग्रेस भी आप लोगों के साथ शामिल हो जाती है, तो फिर कहां आप बीजेपी के ऊपर बढ़त पा पाएंगे उत्तर प्रदेश में, खासतौर से जब नरेंद्र मोदी का चेहरा लोकसभा के लिए सामने होगा। हाँ चित्रा जी बिल्कुल, एक बात बहुत कई बार कही जाती है, मोदी की गारंटी, और राजनीतिक दौर में तमाम विसंगतियां होती रहती हैं, हम इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन आज क्या गारंटी है ये जनता को बताने का काम हम करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि देखिए जो सत्ता में बैठा होता वो कार्य नहीं कर पाता, विपक्ष का ये काम होता कि उसको उजागर करे, कई बार कुछ लोग होते हैं उस पर पर्दा डालने का काम करते हैं, चाहे राजनीतिक विशेषज्ञ हो या तमाम और लोग, हम उसको उजागर करने का काम करेंगे। ये सत्य है चित्रा जी कि आज भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार सत्ता में आश्रित हुई है, लेकिन जब पहली बार वो सत्ता में आश्रित हुई थी तो उन्होंने बहुत बखूबी एक बात कही थी कि हम काला धन वापस लाने का काम करेंगे, कमेटी भी बनाई होगी। आज भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि वो कमेटी कहां है, काला धन सवाल 2019 में पूछना था ना कि 14 का काला धन 2019 तक क्यों नहीं आया, फिर 2019 में वो और ज्यादा सीटें नहीं पाते, यही तो बात है ना कि बदलते वक्त के साथ आपको मुद्दों को देखना पड़ेगा। चित्रा जी मैंने अभी कहा ना कि कुछ लोग होते हैं उन सवालों को दबाने का काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं उजागर करने का काम करते हैं, विपक्षों से उजागर करने का काम करता है, तमाम ऐसे लोग होते हैं उसे पर्दा डालने का काम करते हैं, हम यही बात लेके जनता के बीच, जनता के बीच जाकर जिन मुद्दों को आप उजागर करने का काम करेंगे उसी आधार पर वोट पड़ते हैं, यहाँ पर सिर्फ टीवी पर कह देने मात्र से वोटिंग नहीं होती है, लेकिन कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन की अपनी ताकत दिखाने की कोशिश एक तरफ जारी है तो वहीं दूसरी तरफ मोदी की गारंटी है, तैयारी दोनों ही तरफ जबरदस्त है, अब कौन पड़ता है किस पर भारी इस पर रहेगी आज तक की नजर।